तो स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल क्लासिक मोटर्स में। तो आज हमारे सामने ऑल न्यू महिंद्रा XUV 700 और ये है AX7L, मतलब लग्जरी वेरिएंट, सबसे टॉप वेरिएंट है ये। आगे की ओर की डिजाइन देख सकते हो, कुछ इस तरह की ग्रिल डिजाइन आपको देखने को मिल जाती है। महिंद्रा का न्यू वाला लोगो, LED DRL लाइट्स, LED हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स आपको देखने को मिलने वाली है ये वेरिएंट के अंदर। और बहुत ही तगड़ी गाड़ी है भाई, इसकी एलोवेल्स की डिज़ाइन भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छी है, फ्यूचरिस्टिक पूरी की पूरी डिज़ाइन है। टायर साइज की बात करें, 235/60 18 इंच की आपको टायर देखने को मिलने वाला है। और आपको ये कैसी लगती है जरूर बताइए ना, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है। इस प्राइस रेंज में इतने फीचर्स किसी गाड़ी के अंदर नहीं है भाई। ORM के अंदर कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, 360 कैमरेज आपको देखने को मिलने वाले हैं और इसके डोर्स वगैरह भी बहुत ही तगड़े आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बात करता हूँ ग्राउंड क्लियरेंस इसका है 200 mm का, तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिल जाता है। पीछे की ओर कुछ इस तरह की टेल लाइट की डिज़ाइन आपको देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे देख सकते हो, काफ़ी अच्छी है। XUV700 AX7L आपको यहाँ पे बैजिंग आपको देखने को मिलने वाली है। पीछे की ओर आपको रियर वाइपर वगैरह भी देखने को मिल जाता है, कैमरा भी मिल जाता है और शार्क फिन एंटीना भी आपको देखने को मिलने वाला है ये वाले वेरिएंट के अंदर भी। तो पीछे की डिज़ाइन तो आपने देख ली किस तरह की है। बूट स्पेस नहीं मिलेगी क्योंकि 7 सीटर है, तो ऑब्वियसली कैसे बूट स्पेस मिलने वाली है आपको। तो मैं आपको इसकी सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ भाई। बूट अभी ओपन नहीं हो पाएंगी, मैंने ट्राई किया लेकिन भाई देखो बैटरी इसके ड्रेन हो चुकी थी इसीलिए। तो चलो अब इंजन की बात कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आपको 1999 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, मतलब 2000 cc का इंजन मिलता है, 197 bhp पावर और 380 Nm टॉर्क मिलती है। तो और क्या ही चाहिए इसके अंदर। माइलेज कंपनी इसकी 13 तक की क्लेम करती है, लेकिन पेट्रोल के अंदर मैंने बहुत सारे यूजर्स का सुना है भाई 6-7 की देती है। ठीक है, तो चलो इंटीरियर वगैरह देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इस तरह का डोर वगैरह मिल जाता है, बैटरी ड्रेन है लेकिन डोर तो इसके ओपन थे तो अच्छा है। यहाँ पे सबसे पहले साइड में कुछ इस तरह की पियानो फिनिशिंग मिल जाती है, पावर विंडोज के ऑप्शन मिल जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है भाई इसकी फिनिशिंग बहुत ही तगड़ी बनाई गई है। और यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है, बॉटल वगैरह की स्पेस मिल जाती है और यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो आप बहुत सारा। आगे भाई देखो साइड में मेमोरी सीट्स वगैरह के भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सीट्स वगैरह कुछ इस तरह की मिल जाती है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स मिलती है आपको इसकी। ठीक है, अब अंदर बैठ के देख लेते क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है ये वाले वेरियंट के अंदर। तो भाई देखो बहुत ही बड़ा है इसका इंटीरियर वगैरह और यहाँ पे साइड में इन्होंने मेमोरी सीट्स वगैरह का ऑप्शन दिया गया है जो काफ़ी अच्छा है, जिससे मज़ा भी आता है क्योंकि भाई देखो इतनी सारी फीचर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर तो मज़ा ही आने वाला है ना। तो देख लो भाई, मैंने स्टार्ट करने का ट्राई किया लेकिन बैटरी इसकी हो चुकी है ड्रेन। लेकिन इसकी डिस्प्ले देखो कितनी बड़ी डिस्प्ले है, वैसे 10.25 इंच की है एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी सारी यहाँ पे गाड़ी के लिए है। ठीक है, मतलब गाड़ी की मतलब स्पीड वगैरह के लिए कुछ इस तरह की वगैरह भी मिल जाती है, ट्रैक्शन वगैरह के भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, क्रूज कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, अडास फीचर्स भी आपको ये वाले वेरिएंट के अंदर मिलते हैं। और क्या ही चाहिए, मतलब पता ही होगा आपको कि XUV700 का कैसे यूज़ करते हैं सारे के सारे कस्टमर, मतलब मज़े से जाते हैं भाई, सब कुछ गाड़ी ऑटोमेटिकली कर लेती है। बाकी मुझे इसकी डिस्प्ले जो बहुत ही अच्छी लगती है, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऐसे आपको देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, ये जैसे प्लान हो उस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे कुछ इस तरह से USB पोर्ट वगैरह देखने को मिल जाने वाले हैं और मेन चीज़ ये ऑटोमेटिक गाड़ी है और वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, ऑटो पार्किंग ब्रेक्स वगैरह देखने को मिल जाती है, अलग अलग मोड आपको देखने को मिल जाते हैं ये वाले वेरियंट के अंदर भी। और डिज़ाइन देख लो भाई डैशबोर्ड की बहुत ही अच्छी है, फिनिशिंग इन्होंने बहुत ही अच्छी की गई है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं अंदर इसका ग्लव बॉक्स वगैरह, यहाँ पे क्लिक किया और ग्लव बॉक्स इसका ओपन हो चुका है और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेस मिलेगी, साइड में भी स्पीकर वगैरह मिल जाता है और यहाँ पे देख लो भाई ये थाई सपोर्ट वगैरह अलग से मिल जाता है और सीट बैठने में सच में बता रहा हूँ बहुत ही कंफर्टेबल है ये वेरियंट के अंदर। साइड में ही बात कर लेते हो तो यहाँ पे मिरर वगैरह देखने को मिल जाता है, भाई देखो मुझे खुलना भी नहीं आता भाई क्या करो, मतलब भाई इस तरह में सब जगह भी ओपन होता है तो यहाँ पे स्लाइड से ओपन हो जाता है कुछ इस तरह से। तो चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। बाकी सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं और पेनारोमिक सनरूफ तो मिलते ही मिलते हैं आपको। तो एक रास की बात बताओ तो भाई देखो भाई, मतलब सनग्लास होल्डर वगैरह मिलता है वो रास की बात नहीं है, लेकिन भाई मैंने वीडियो शुरू में शूट किया था पूरा का पूरा, मैंने
बोल के शूट किया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं चला मेरे माइक की बैटरी हो चुकी थी ख़त्म। तो अभी घर पे आके ही मैं आपको यहाँ से वॉइस ओवर करके ही बता रहा हूँ, ठीक है? उसमें कोई झूठ नहीं बोलने वाला हूँ मैं। कप होल्डर मिल जाता है, एमरेज भी काफ़ी बड़ा आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि आगे जाके आप मुझे देखोगे तो आप समझ ही जाओगे कि ये वॉइस ओवर ही किया गया है, क्योंकि सब कुछ मैंने बोला था। बाकी यहाँ पे थार की भी वीडियो है हमारी चैनल पे, XUV4 की भी वीडियो आपको मिल जाएगी। पीछे की ओर भी आपको पियानो फिनिशिंग वगैरह देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे स्पीकर वगैरह मिल जाता है और सीट्स कुछ इस तरह की मिलती है पीछे की ओर भी। स्पेस काफ़ी ज़्यादा है भाई, देखो ये प्राइस रेंज के अंदर ऐसी गाड़ी मिले तो और क्या ही चाहिए हमें जीवन के अंदर। इसकी एक शोरूम प्राइस मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। तो पीछे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लेग स्पेस मिलने वाली है, यहाँ पे दो दो कप होल्डर मिल जाते हैं, एसी वेंट्स भी मिलते हैं और यूएसबी पोर्ट भी आपको पीछे की ओर देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे फ़ोन वगैरह रख सकते हो और पीछे से इसका व्यू और भी ज़्यादा तगड़ा आता है। थर्ड रो के अंदर भी जाके मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह की स्पेस वगैरह मिलती है। स्पेस में तो XUV700 बहुत ही अच्छी है, ठीक है? बाकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में ग्रे पैनल वगैरह कुछ इस तरह के देखने को मिलने वाले हैं। थर्ड रो भी मैं आपको जाके दिखाता हूँ किस तरह की स्पेस वगैरह मिल जाने वाली है थर्ड रो के अंदर भी। अगर कैसी लगी आपको गाड़ी वो ज़रूर बता देना, और कुछ भी इंफॉर्मेशन रह जाए तो उसके लिए मैं आपकी बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा। बीच में आपको आमरेस कुछ इस तरह का मिलता है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। चलो अब चलते हैं सीधा थर्ड रो के अंदर और दिखा देता हूँ मैं आपको इसकी थर्ड रो। तो देखो कुछ इस तरह से सीट फोल्ड करके वगैरह आ सकते हैं, लेकिन भाई मैं अभी अकेला हूँ, ठीक है? तो इसमें थोड़ी दिक्कत तो आती है खुद से एक हाथ से करने में, क्योंकि एक हाथ में मेरे फ़ोन है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे साइड में आके आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की स्पेस वगैरह मिलती है। तो भाई देखो वैसे तो स्पेस काफ़ी डिसेंट सी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ स्पेस नहीं है, लेकिन हेडरूम वगैरह थोड़ा कम आपको देखने को मिलने वाला है। और साइड में यहाँ पे आप स्पेस वगैरह मिल जाती है फ़ोन वोन रखने के लिए, बॉटल रखने के लिए भी, स्पीकर भी आपको पीछे की ओर बड़ा वाला मिलता है और एसी वेंट्स भी आपको सभी जगह पे देखने को मिलते हैं, जिससे आप बिल्कुल चिल रहे हो। यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो आपका एसी वगैरह, ठीक है? यहाँ पे 12 वाट का पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। बूट स्पेस तो देखो भाई बत्ती ही नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, वो दिखाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है? बाकी सारी की सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा दिए। दो दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी पीछे की ओर मिल जाते हैं और थर्ड रो से भी कुछ इस तरह का व्यू मिल जाता है, कुछ इस तरह की विंडो मिल जाती है, जिससे पीछे वाले लोगों को भी काफ़ी अच्छा फील हो। तो चलो अब बाहर जाके मैं आपको इसकी प्राइसिंग वगैरह बता देता हूँ। बाकी ये गाड़ी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इतना बजट हो और माइलेज वगैरह में कोई दिक्कत ना हो तो ये गाड़ी बिल्कुल ले सकते हो। मतलब ऑन रोड नहीं तो 30 लाख तक मिल जाती है, ठीक है? 30 लाख तो इसकी एक शोरूम प्राइस, तो एक शोरूम सॉरी ऑन रोड प्राइस 30 लाख तक पहुँच जाती है, ठीक है? तो प्राइसिंग मैंने अभी बता दी है, लेकिन आपको कैसा लगा इसका इंटीरियर वो कमेंट के अंदर ज़रूर दे देना। बाकी पीछे की ओर बच्चे वगैरह बैठेंगे तो काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ से कुछ इस तरह से फिर से सीट को पीछे खींच लेते हैं और हो जाती है सीट आपकी अनफोल्ड, ठीक है? पीछे से कुछ इस तरह की लुक वगैरह मिल जाती है। एक शोरूम प्राइस है इसकी 25.28 लाख रुपीज़, तो बाहर आते आते ये 30 लाख तक मिल जाती है। तो कैसी लगी वो जरूर बता देना और माफ़ी चाहूँगा, वॉइस ओवर की थी इसलिए। बाकी मिलते किसी और नई कार के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।